किरा भी दिखाओ जरा। ओए ओए ये पानी आ रहा है कचरा कुंडी, अल्लाह की पना। और कपड़े हो गए हमारे ऐसे। ओए 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ पकड़ो जी पकड़ो, अबे ऐसे पकड़ो, इसे पकड़, अबे वीडियो छोड़ इसे पकड़ो, वो गया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब हो गया, वो क्या भागी, वो भाग गई, वो भाग गई, वो भाग गई, वो गई भाई। हाँ भाई वो गई भाई। सभी का इमाम हुसैन पावर हाउस चौरंगी की माशाल्लाह, इसको हम बारान रहमत कहे कि हमारी कराची की हुकूमत की वजह से। ये देखिए ये तमाम सभी जो है वो मुनदिम हो गई है। ये न सिर्फ सभीर मुनदिम हुई है, सारा काफी सामान इसका बह गया साथ में। ये पानी का प्रेशर देखिए, नाला सभील पानी सब कुछ एक हुआ हुआ। ये देखिए आप ये सारे ठेले, रजा भाई ये बाइक पूरी अंदर है, अल्लाह की पनाह हो गई है। कुदरत यकीनी तौर पे हमारे लिए बारान रहमत बरसाती है, मगर ये कमिश्नर साहब जब तक कराची को पूरा अपना गांव बना के नहीं छोड़ेंगे इनको सुकून नहीं मिलेगा। कमिश्नर हो या दोनों चारों पांचों डीसीज हो, इनकी ख्वाहिश है, इनको टारगेट यही दिया गया है कि कराची को अपना गांव बनाओ जाके। कराची अलग क्यों है, शहर नहीं दिखना चाहिए, वो गांव दिखना चाहिए। लेकिन गांव में मेले लगे हुए हैं, मेलों में लोग सर्कस देख रहे हैं, जो कराची की आवाम का इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है वो सब सर्कस देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची। शुक्रिया अदा करें उन लोगों का जिन्होंने इनको लगाए हैं, कमिश्नर लगाया है, डिप्टी कमिश्नर लगाया है, डीएमसी लगाया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाया है, केएमसी लगाया है, इदारे 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 इदारे, इदारों का भी कचरा है, ठीक है ना, कचरे वाले इदारे और इदारों का कचरा। तो ये बाकी आप देख सकते हैं, जेल तो सभी रहे, बस हम अपना दर्द बयान कर रहे हैं। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं आप भी इतना ही झेल रहे होंगे। बहरहाल वीडियो बस दर्द दिल बयान करने के लिए, किसी ने नोटिस ना कभी लिया है ना लेंगे, देख लीजिए टाइम पास हो गया। थैंक यू। ये लकी विंग वन की बिल्डिंग है जो नजर नहीं आ रही आपको, वाह 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 वाह, ऐसे सीन काफी देखने को मिलता है। वैसे बेचारे बाइक वाला भी खड़ा हो गया, अजीन तो पूरा समंदर लग रहा है, कोई सी मजाक के अलावा ऐसा लग रहा है लहरें कैसी बन रही, गाड़ियां जा रही है, इसमें धक्का देना भी वो है।
ये देख भाई, ओह माय गॉड, चारा फैसल का ये हालत है। टाइम के साथ से बना रहा हूँ, ये आप देखें, ये नाला बिल्कुल बराबर हुआ हुआ है। कुछ पता नहीं है कि नाला कहां पर है कहां नहीं है, बिल्कुल बराबर हुआ हुआ है। ये गोधरा की तरफ रोड जा रहा है। आपको इसमें सहूलत यही है कि आप वो कर सकते हैं। आप इस पे भी देखिए पानी कैसा आ रहा है, रोड पे आएगा, ये बोना आता है ना, बोने में तो पानी आता है। भाई जान, ये है मक्की मस्जिद के अहवाल। बाहर रोड बिल्कुल फुल हो गया है, हमने मेन गेट बंद कर दिया है। जुबली का नाला जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। अभी आप अहवाल देखें, ये मस्जिद है, मक्की मस्जिद तबलीगी मरकज। ये सारे सीवरेज का पानी, रोड में तकरीबन 3 फीट पानी ऊपर आ गया है, ये आप देखें। ये मक्की मस्जिद के अंदर पानी आया है। ये सारा सीवरेज का पानी है, ये मस्जिद में तैर रहा है। ये मस्जिद का बाहर का सेन है, ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा है। सारा पानी सीवरेज का है, बाहर में जा नहीं सकता, वरना मैं गेट का दरवाज़ा खोलूंगा तो सारा गंद कचरा वगैरह सब वो अंदर आ जाएगा, वरना मैं बाहर का भी आपको दिखाता। ये तकरीबन है, तकरीबन 5 इंच पानी मस्जिद के अंदर है, 3 फीट जो है वो बाहर है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आफियत के साथ इस बारिश के मामले को
फरमा दे, इसमें आफियत कर दे, और जो इसके अहल हैं उनको अल्लाह हिदायत दे कि वो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाए, ताकि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।